नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9S वर्सेस Realme P1 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9S में 6.45 इंच जबकि P1 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9S से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9S में 2.95 इंच जबकि P1 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Z9S में 0.29 इंच जबकि P1 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z9S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9S में 180 ग्राम जबकि P1 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9S से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9S में 6.77 इंचेस जबकि P1 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9S में 1080x2392px FHD+ और P1 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9S में 90.12% जबकि P1 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9S में 388 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P1 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9S में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और P1 5G की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9S में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और P1 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9S में Mali-G 615 MC2 जबकि P1 5G में Mali-G 68 MegaCoulomb 4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9S में MediaTek Dimensity 7300 और P1 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9S में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि P1 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9S में नहीं है, जबकि P1 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9S में 5500 mAh जबकि P1 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Z9S में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,998 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 23,998 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें P15G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 18,989 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो iQOO Z9S में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Realme P15G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Moto G85 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।